मैं तो कह रहा हूँ सभी पार्टियां अगर एक उम्मीदवार खड़ा कर दें और सभी पार्टियां बैकआउट कर दें कि इन्हीं को वोट जाएगी, तब भी वोट का जो हार जीत का अंतर इतना बड़ा है कि वहां पर पीएम मोदी को हराना मुझे लगता है नामुमकिन है। अमेठी में अगर ये चुनाव इस बार लड़ाई हो जाती है राहुल वर्सेस समिति की दोबारा, तो मुझे थोड़ा सा पलड़ा अभी हाल की घड़ी में बीजेपी का भारी लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। राजनीति में कहा जाता है कि हर एक बयान महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब ये बयान किसी महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे व्यक्ति ने क्यों ना दिया हो। फिलहाल एक नया बयान देखने को मिला है जिसने एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये बयान दिया गया है यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने अजय राय की तरफ से। उन्होंने बयान दिया है कि इस बार सिचुएशन अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी और वाराणसी में प्रियंका गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री हो सकती है। और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर जिस तरीके से मैंने कहा कि बयान महत्वपूर्ण है, एक बड़ा बयान दिया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान? बहुत महत्वपूर्ण बयान है। मैं तो कहता हूँ कि 2024 की सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई हो जाए अगर ऐसा हो जाए कि अमेठी से राहुल गांधी फिर से स्मृति ईरानी के खिलाफ आए और वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अगर प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब अजय राय नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश, और वो ये सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी लड़ेंगे और मैं प्रियंका गांधी को इन्वाइट करता हूँ वाराणसी के लिए। पर गीता, राजनीति बयानों से चलती नहीं है। आप देखिए कि अजय राय, खुद वो अजय राय हैं जो दो बार लगातार 14 और 19 में प्रधानमंत्री मोदी से वाराणसी से हार चुके हैं। अब ऐसा कौन सा मंत्र फूंक देंगे वहां पे वाराणसी में कि वो वहां पे प्रियंका गांधी को चुनाव जितवा देंगे अपनी अध्यक्षता में वहां पर। तो ये राजनीतिक बयान देखा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ अच्छा है, ये होना चाहिए। अगर ऐसी राजनीति में लड़ाइयां हो बड़े चेहरों की, तो जनता को भी आसानी रहती है और एक क्लैरिटी भी मिल जाती है। पर मुझे इसमें थोड़ा संशय है कि ये जो काउंटर है वो होगा जी। और सर जिस तरीके से वाराणसी की उन्होंने बात की है कि प्रियंका गांधी को इनवाइट करते हैं कि वो प्रधानमंत्री के ऑपोजिट आए, लेकिन अगर हम वाराणसी सीट की बात करें तो अभी तक इस सीट पर कब्जा जो है बीजेपी कर रहा है, तो ऐसे में क्या ये एक इशारा है कि बाकी किसी उम्मीदवार से बेहतर प्रियंका गांधी साबित होंगी? देखिए फर्क तो पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप वाराणसी सीट के थोड़े से इतिहास में चले जाएं ना, तो गीता आप ये देखिए कि वहां पर अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ चुके हैं पीएम मोदी के खिलाफ, और तब उनको लग रहा था कि वो भी अभी दिल्ली जीत के आए हैं, देश में उनकी लहर है और वो हरा देंगे। आपको पता ही है वहां पर क्या हुआ। चेहरे के सामने चेहरा आना एक अलग बात है, लेकिन अब राहुल गांधी तो बहुत बड़ा चेहरा थे जब वो अमेठी में हारे हैं स्मृति ईरानी से, लेकिन हम बात वाराणसी की कर रहे हैं, तो वाराणसी में पीएम मोदी को हराना, मैं तो कह रहा हूँ सभी पार्टियां अगर एक उम्मीदवार खड़ा कर दें और सभी पार्टियां बैकआउट कर दें कि इन्हीं को वोट जाएगी, तब भी वोट का जो हार जीत का अंतर इतना बड़ा है कि वहां पर पीएम मोदी को हराना मुझे लगता है नामुमकिन है। वहां पर जिस तरह से पीएम मोदी ने वाराणसी में पूरा काम किया है और वहां पर आप कह सकते हैं कि इतनी सौगातें दी हैं वाराणसी को, और मुझे वहां पर बहुत संशय है कि वहां पर ऐसा कुछ हो पाएगा। और लगता ही नहीं है कि प्रियंका गांधी उस सीट से चुनाव लड़ने का ये ऑफर स्वीकार करेंगी, क्योंकि ये एक सबसे टफेस्ट सीट है। कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता भी, अब प्रियंका गांधी से बड़ा नेता तो कौन होगा कांग्रेस में, यहां से चुनाव लड़ने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि इमेज की बात होती है। अगर आप चुनाव हारते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश चले जाता है, तो मुझे नहीं लगता है। और प्रियंका गांधी तो पूरे यूपी को ही लीड कर चुकी हैं, पूरी यूपी को आपने देखा था विधानसभा चुनाव में, उन्होंने ही सबसे आगे बढ़ के लीड किया था, और तब क्या हुआ कांग्रेस का वहां पर। तो ये एक बात हो सकती है राजनीतिक तौर पर। हाँ, हार जीत का अंतर देखिए, जितनी वोट से अजय राय हारे थे उससे कम वोट से प्रियंका गांधी की हार जीत हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए मेरी राजनीतिक समझ ऐसा नहीं कहती। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैं बता दूं कि वहां पर कौन हारेगा जीतेगा, पर राजनीतिक समझ के अनुसार अगर प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ेंगे, उनको हराना लगभग कोई भी चेहरा सामने आ जाए नामुमकिन सा होता है।
यानी अभी भी जो फैक्टर है वो मजबूत ही रहने वाला है भाजपा के पक्ष में। सर इसी तरीके से अमेठी की बात कर लेते हैं, उन्होंने अमेठी में भी कहा है कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होंगी और राहुल गांधी डेफिनेट जीत लेने वाले हैं। इस दावे के पीछे क्या क्या उनका तर्क रह सकता है, क्योंकि इससे पहले हारे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल सही कहा। देखिए राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की जो लड़ाई है अमेठी की वो बहुत पुरानी है, 2014 की है। 2014 में जब वहां पे चैलेंज दिया था स्मृति ईरानी ने, और तब वहां पर राहुल गांधी को उस साल में जब वो जीते थे तो 4,08,651 वोट मिले थे, और स्मृति ईरानी को उस वक्त 3,07,48 वोट के करीब मिले थे और 1,07,000 वोटों के अंतर से वो जो है चुनाव हार गए थे। लेकिन वो 1,00,000 का अंतर जो है वो उनके दिमाग में रहा, क्योंकि एक बड़े नेता से आप हार रहे हैं और 1,00,000 का ही अंतर रहा है, क्योंकि लोकसभा की हार जीत है वो लाखों में ही होती है अमूमन। उसके बाद उन्होंने दोबारा मोर्चा संभाला और स्मृति ईरानी, हम सबको याद होगा कि 2019 चुनाव से काफी देर पहले जाकर उन्होंने अमेठी में अपना डेरा जमा लिया था, वहां पर चुनाव लड़ा, फिर एक बार चुनौती दी राहुल गांधी को। और क्योंकि भारतीय राजनीति में ये समझा जाता है कि रायबरेली अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर कौन हरा सकता है, मतलब ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अमेठी में उलटफेर हुआ और राहुल गांधी 55,120 वोटों से हार गए थे, और वहां पर उस वक्त स्मृति ईरानी को 4,67,000 के करीब वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,12,000 के करीब मिले थे। यानी वो 1,00,000 की लीड तोड़ते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया, तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि कल उन्होंने तंज कसा, अजय राय ने कहा कि वो जो 13 रुपए चीनी वाला वादा है वो कहाँ है, उसका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बात है कि अमेठी में अगर ये चुनाव इस बार लड़ाई हो जाती है राहुल वर्सेस स्मृति की दोबारा, तो मुझे थोड़ा सा पलड़ा अभी हाल की घड़ी में बीजेपी का भारी लग रहा है। उसका एक कारण है, स्मृति ईरानी जब यहाँ से पहले चुनाव लड़ी तो कोई वो मंत्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, अब तो वो मंत्री भी थी, वहां पे उन्होंने काम भी किया होगा, वहां पे उनकी पकड़ भी मजबूत हुई होगी। और राहुल गांधी ने दो जगह से चुनाव लड़ा, वायनाड से वो जीते और उसके बाद वायनाड वो चले गए थे क्योंकि वहां से सांसद बन गए थे। अब सवाल यह है कि इस बार राहुल गांधी क्या दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब एक बड़ा नेता दो जगह से चुनाव लड़ता है तो उसमें दो फैक्टर काउंट करते हैं, या तो ये फैक्टर काउंट करता है क्योंकि लालकृष्ण अडवाणी से लेकर और तमाम बड़े नेता आज तक दो दो जगह से भी चुनाव लड़ते रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये कि मैं दो जगह से इसलिए लड़ रहा हूं कि मुझे पता है कि मैं दोनों जगह से जीत जाऊंगा, और एक बड़ा चेहरा को लड़ाने का ये मतलब होता है कि उसकी आसपास की जो सीटें होती हैं उस पर भी फर्क पड़ता है वोट का, इसलिए दो या तीन जगह से भी लड़ जाते हैं। लेकिन अब जो पिछली बार राहुल गांधी लड़े थे दो जगह से, वो साफ पता लग रहा था कि डर की वजह से था, क्योंकि अमेठी से डर की एक बात लग रही थी, तो वायनाड से भी लड़े, तो वो एक संदेश जनता के बीच चला गया। तो क्या इस बार अगर वो अमेठी से लड़ना चाहते हैं तो क्या वो अमेठी से ही लड़ेंगे, ये बताने के लिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, जैसे अजय राय कह रहे हैं हम यहाँ से जीत जाएंगे और वायनाड से नहीं लड़ेंगे, और अगर वायनाड से नहीं लड़ेंगे तो वहां की जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, और अगर फिर दोनों जगह से लड़ते हैं तो फिर संदेश कहीं वही ना चला जाए कि भाई इनको तो डाउट है एक जगह से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये बहुत पेचीदा है, बहुत आसानी से कहा, मैंने कहा ना राजनीतिक बयान जो है वो आजकल बड़े डिफरेंट टाइप के हो गए हैं। जैसे अलका लांबा ने बयान दिया तो पार्टी ने कह दिया नहीं ठीक है ये तो उनका निजी बयान था दिल्ली वाले मुद्दे पे। अब अजय राय ने बयान दिया है अध्यक्ष बनने के बाद और कह रहे हैं कि ये भीड़ जो बता रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि ये दो सीट वाला या तो वो लड़ेंगे चुनाव, और उसमें अमेठी शामिल रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, पर हाँ गांधी परिवार का गढ़ रही है अमेठी रायबरेली। पर इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ने जाते हैं कि नहीं जाते, ये वाकई दिलचस्प है। जैसे कि सर हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट उसके बाद राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, और अगर अमेठी से लड़ते हैं तो शायद ये भारत जोड़ो यात्रा ये कॉन्फिडेंस के तौर पर अमेठी पर उन्हें उतारेगी, क्योंकि उन्हें इस बार कॉन्फिडेंस है कि उनकी यात्रा सफल रही है और एक नया संदेश एक नई इमेज राहुल गांधी की सेट हुई है और दोबारा अपना गढ़ वापस लेने की कोशिश करेंगे। गीता यूपी जो है वो एक टाइम पे कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, मुझे वो भी समय याद है 1984 का जब वहां पे कांग्रेस 82-83 सीटें जीत गई, तब वहां पे इतनी सीटें हुआ करती थी। अब इस बार वहां पर गढ़ बचा पाएंगे कि नहीं, मुझे इसमें इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लें तो 80 सीटों में से वहां पर कांग्रेस के पास मात्र एक सीट है, वो भी रायबरेली की सोनिया गांधी की। और अगर आप चलिए मान भी लीजिए कि
हो सकता है इस बार उलट फेरे हो जाए। उसकी संभावना तब होती है जब ज्यादातर सीटों पे जहां आप हारे हो आपका जो उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पे रहा हो। तो मोटे मोटे तौर पे कांग्रेस 4-5 जगह पर 80 सीटों में सिर्फ दूसरे नंबर पर रही थी। उसमें से मुझे याद है एक श्री प्रकाश जायसवाल थे जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सरकार में, एक राज बब्बर की सीट थी जो वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, और एक राहुल गांधी की सीट थी अमेठी वाली जो दूसरे नंबर पे रहे हैं। उसके अलावा सब जगह एसपी बीएसपी एसपी बीएसपी दिखेगा आपको। तो जहां आपके उम्मीदवार लड़ाई में ही नहीं 80 सीटों में, दूसरे नंबर पे भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं तीसरे कहीं चौथे या पांचवे नंबर पे, तो वहां पे उस बीच आप कहें कि बिल्कुल सभी सीटें जीत जाएंगे या बड़ा उलटफेर हो जाएगा या अपना गढ़ वापस ले लेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा हेल्थ रीजंस कह लीजिए या उनकी सक्रियता आप तो काफी दिख रही है और एक बूस्ट भी रहता है। मैं तो कहूंगा अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो पार्टी के लिए एक बूस्ट भी रहता है, क्योंकि जब बड़ा चेहरा लड़ता है तो आसपास की सीटों पर प्रभाव ना सिर्फ पड़ता है, कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर वो रायबरेली से लड़ते हैं तो हो सकता है राहुल गांधी भी अमेठी से दोबारा लड़ जाएं। पर इतिहास देखिए आप पिछले दो चुनावों का, तो कांग्रेस की बहुत बड़ी हार जो है उत्तर प्रदेश में रही है। और कोई चमत्कार हो जाए अजय राय के बनने के बाद कि ऐसा दिन रात में कुछ बदल जाए, वो संभावना नहीं है, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है, तभी तो वो वापिस आए हैं। और जब राज्य सरकार अच्छा खासा काम करती है, वापिस अभी हाल ही में आए हैं, तो वहां पर कोई बड़ा उलटफेर हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जो इंडिया गठबंधन है, इस तरह के गठबंधन वहां पर होते हैं, कैसे कौन किसके साथ मिलकर लड़ता है, 2-4-5 सीटों पे कुछ ऊपर नीचे फर्क हो जाए, वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई बहुत बड़े उलटफेर की संभावना उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखती है। और ये कहा जाता है कि देश की राजनीति में जो लोकसभा में प्रधानमंत्री का जो पद है वहां तक का रास्ता यूपी से ही तय होता है। सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, जो सबसे ज्यादा सीट वहां पर जीतता है उसी पार्टी का दबदबा हमने देखा है कि रहता है हमेशा। जी, तो जैसा कि आपने अभी कहा कि गठबंधन के बाद क्या समीकरण बनते हैं, ये भी देखने लायक होगा कितना सीट शेयर कहां किसको मिलता है और कौन सी सीट किसके नाम जाती है, क्योंकि गठबंधन के अनुसार ही सीट्स मिलने वाली हैं, किसको कहां सीट मिलेगी, किस पार्टी को कहां से चुनाव लड़ना है। तो कैसा हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी दो जगह से चुनाव ना लड़ पाए, क्योंकि पहले ही गठबंधन में सीट शेयर के हिसाब से सीट्स बटेगी और उसके बाद हो सकता है कि जहां से वो लड़ना चाहते हैं वहां से लड़ने के लिए उन्हें ना उतारा जाए। देखिए, जो वायनाड की सीट है वो तो क्लियर ही है, वो तो वहां से लड़ ही लेंगे क्योंकि वहां से वो सिटिंग एमपी है इस वक्त। और अमेठी से भी अगर वो लड़ना चाहे, चाहे सीट शेयरिंग की क्यों ना, वो भी उनको मिली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेठी कांग्रेस का गढ़ तो रहा ही है, वहां पे कांग्रेस जीती तो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो बड़े चेहरे हैं ना उनको कोई इस तरह की दिक्कत आएगी। पर हाँ, ये जो वन सीट वाली बात है ये जरूर देखने लायक है, क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था कि अभी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, वहां भी घोषणा पत्र वो अपना जारी करने वाले हैं, एमपी के भी चुनाव हैं, राजस्थान के भी चुनाव हैं। फिर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि लड़िएगा तो कैसे लड़िएगा, क्या अब आप अलग अलग लड़ेंगे फिर इकट्ठे लड़ेंगे, वो बहुत सारी बातें हैं, तो वो देखना बड़ा दिलचस्प है, इम्पोर्टेंट है। जी, यानी कुल मिलाकर अजय राय के बयान पर अगर कहा जा सकता है तो ये कहना साफ होगा कि बयान तो खूब दिए जाते हैं लेकिन असल में क्या होगा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो चुनाव दिलचस्प जरूर होंगे लेकिन ऐसा होने के पीछे भी अभी बहुत सारे तर्क लगेंगे। बिल्कुल, चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और बहुत सारे तर्क भी लगेंगे। और अगर आप विधानसभा चुनाव में भी देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, हालांकि बहुत कैंपेन उन्होंने चलाई, सारी चीजें की। और अब लोकसभा चुनाव में भी कोई बहुत कुछ हो जाए, बिल्कुल ठीक है, अध्यक्ष तो उनको चाहिए था, कोई नया उन्होंने बनाना ही था और उन्होंने अजय राय को वो अध्यक्ष के तौर पे लेके आए हैं। अब वो कितना असर पूरी अपनी राजनीति में जो यूपी की सीटें हैं सब पर उस पर डाल पाते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस में बड़े बड़े चेहरे हैं, सलमान खुर्शीद जैसा चेहरा भी उत्तर प्रदेश से है, राज बब्बर भी हैं और बड़े बड़े चेहरे हैं। तो कांग्रेस ने उन बड़े चेहरों को जो राष्ट्रीय राजनीति में बड़े चेहरे रह चुके हैं, सरकार में रह चुके हैं, उनको ना बना के अजय राय को अगर बनाया है तो उसके पीछे की क्या सोच रही है पता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को साधना, जहां पर बायपोलर कॉन्टेस्ट है, वहां पर एसपी जैसी मजबूत पार्टी भी है, वहां पर बीएसपी भी कभी अपने समय में राज कर चुकी है वो भी है, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिनके बिना राजनीति नहीं चलती, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल भी हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी भी अपनी दस्तक देगी। तो
तो यूपी की राजनीति इतनी हमेशा से वन टू वन वाली रही नहीं है, बीजेपी कांग्रेस वाली, वहां पर हमेशा से क्षेत्रीय दलों का जो है वो दबदबा रहा है, उनकी दखल रही है। और यही एक कोशिश एक बार रही थी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यूपी के दो लड़के, दोनों जब इकट्ठे मिलके गठबंधन में चुनाव लड़के, भी देख लिया तब भी बुरी तरह जो है हार हुई थी। तो उसके बाद अब कोई, और वहां से बीएसपी और एसपी भी इकट्ठे लड़के देख चुके हैं चुनाव, तो अब ऐसे में अब कोई और नया गठबंधन बचा है, और नया कोई समीकरण बचा है, मुझे नहीं लगता है। और मुंबई वाली बैठक का इंतजार है सबको, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन किस तरह से सोच रहे हैं। जी, और अगर इस पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कंक्लूड में इसी तौर पे करना चाहूंगा कि राजनीति है, बयानबाजी है, बयानों का क्या, बयान तो रोज आएंगे और अभी तो बयान आने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसे आप हीट ऑफ द मूवमेंट कह सकते हैं कि जब आप नए अध्यक्ष बन के आए हैं और हजारों लोगों की भीड़ आपको माला पहना रही है, और आप हाईकमान को आपने कुछ भी करना है तो आप कह देते हैं कि आप आइए चुनाव लड़िए यहाँ से, और यहाँ से हम जीत के दिखाएंगे। और ये राइट, गीता, ये राइट भी है लोकतंत्र में, हर पार्टी ये कह सकती है, जिसका वोट परसेंट 1% हो या 20% हो, उसको कहने का राइट है कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम तो इतना भी देखते हैं जब चुनाव की वोटों की काउंटिंग चल रही होती है, सुबह सुबह पहले 1-2 घंटे में कोई पार्टी हार रही होती है, उसको पता होता है मैं हार जाऊंगा, पर वो एंड तक ये क्या कहती है कि नहीं अभी आप रुक जाइए, अभी तो ईवीएम खुलने हैं, अभी आप रुक जाइए, अभी तो अगले दौर की काउंटिंग बाकी है, हम आगे चले जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो ये राजनीति की बड़ी खूबसूरत चीज है कि अंतिम समय तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए, वो अपने मुंह से कभी कहते ही नहीं है कि हम हार जाएंगे या हारेंगे या नहीं होगा, और सबको ये राइट भी है कहने का। और मुझे लगता है अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जो बात बोली है वो इसलिए भी है कि उससे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा कांग्रेस, वो अपने तौर पर उन्होंने थियोरेटिकली बिल्कुल गलत गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि पार्टी के वर्कर्स को अगर आपको बूस्ट करना है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बड़े चेहरे हैं, उन्होंने इस तौर पर बोला है, पर वो प्रैक्टिकल कितना हो पाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रैक्टिकल कितना होगा उस पर नजर बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर बयान बयान के बाद का असर और असर कैसा होगा इस पर सभी की नजर टिकी है, यानी एक बयान तो दे दिया गया है, अगर ये लड़ाई होती है तो वाकई इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या कुछ इस लड़ाई में होगा, सारे अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।